यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बालों का कलर कितना बढ़िया है और बालों की ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है। तो आज हम बताने वाले हैं हेड और हेयर केयर मसाज। तो हम होममेड हेयर मसाज ऑयल बनाएंगे और उसी से मसाज करेंगे, और किस तरह से आपको मसाज करना है जिससे आपकी बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और बालों में जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपके सिर में या थोड़ा हल्का बहुत दर्द वगैरह रहता है वो भी खत्म हो जाएगा, आपको रिलैक्स फील होगा इस तरह से मसाज करने के बाद। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार ब्यूटी केयर और आज हम बनाने वाले हैं होममेड मसाज ऑयल। और सिंपल से कोई सा भी आप यदि ऑयल जो मसाज के लिए लेते हैं उसमें भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है और इसमें विटामिन ई का 1 कैप्सूल ऐड किया है, क्योंकि जो मसाज ऑयल है वो हमने कम लिया है इसलिए हम 1 कैप्सूल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा ऑयल में 2 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने बालों की ग्रोथ के अनुसार ऑयल ले सकते हैं और उसमें आप कैप्सूल वगैरह उतने ही ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम कट कर लेंगे और इसका जेल ऑयल में मिक्स कर लेंगे और ऑयल में हम जो कैप्सूल है वो सारा वो हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मसाज ऑयल बन के तैयार हो जाता है और ये बालों के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होते हैं। जो विटामिन ई कैप्सूल होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं, इसका इस्तेमाल आप फेस पर भी कर सकते हैं, इसके वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मसाज ऑयल बन के तैयार है। आप यदि कोकोनट ऑयल नहीं लेना चाहते तो आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं और जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बालों की ग्रोथ कितनी बढ़िया है, कलर भी बहुत बढ़िया है। तो इसी तरह से हम हफ्ते में 1 से 2 बार बढ़िया मसाज बालों में ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि बाल हमारे टूटते झड़ते नहीं हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं और सिर में भी आराम रहता है, रिलैक्स फील करते हैं। और जब भी हमारा सिर वगैरह दुखता है तब भी यदि मसाज लेने से हमारे सिर में एकदम से दर्द वगैरह नहीं रहता, तो इसके लिए भी मसाज बहुत ज़रूरी है। और आप हमारी हेयर ग्रोथ देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया है। तो इस तरह से आप हफ्ते में 1 से 2 बार मसाज ज़रूर से लें। और आप हॉट ऑयल मसाज भी ले सकते हैं, सिंपल ऑयल से भी मसाज ले सकते हैं, दोनों ही आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो आप चाहें तो फिंगर से भी लगा सकते हैं या फिर आप कॉटन बॉल्स ले लें उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम फिंगर से थोड़ा ज़्यादा ऑयल अपने बालों पर लगाएंगे तो इससे मसाज बहुत बढ़िया होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें मसाज करना है, एक एक स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बढ़िया तरीके से मसाज होगी, आपको रिलैक्स फील होगा। और यदि आप हाथों से तेज़ मसाज करेंगे तो रिलैक्स फील नहीं होगा और मसाज का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो आप अच्छे से देखें एक एक स्टेप कि किस तरह से हमें मसाज करनी है। तो सबसे पहले तो हम बालों में अच्छे से ऑयलिंग करेंगे, तो इस तरह से हमें बालों को अच्छे से मसाज करना है और स्कैल्प पर भी हमें ऑयल अच्छे से लगाना है। और आप यहाँ पर एक कंघी ले लें और उससे थोड़े थोड़े बाल हटाते जाएं और स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करते जाएं, ताकि मसाज बालों की जड़ों में ताकि ऑयल बालों की जड़ों में अच्छे से पहुँच जाए और आपकी जो बालों की जड़ें हैं बहुत मजबूत हो जाएंगी, बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे भी नहीं, और यदि सफ़ेद हो रहे हैं तो वो भी काला होने लगेंगे। तो मसाज के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, यदि आप मसाज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको अपने आप ही बालों में फ़ायदे दिखने लगेंगे। तो इस तरह से हम उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो हमने जितना भी ऑयल लिया था सारा ही अपने बालों पर लगा लेंगे, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो ऑयल बालों पर अच्छे से थोड़ा ज़्यादा ही लगाना होता है। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े बाल हटाते जाएंगे और ऑयल लगाते जाएंगे। तो अभी तो हम ऑयल लगा रहे हैं, इसके बाद मसाज स्टार्ट करेंगे। तो 1 से 2 मिनट तो लग ही जाते हैं ऑयल लगाने में, इसके बाद मसाज स्टार्ट होती है। तो 10 से 15 मिनट हम मसाज करते हैं, इसके बाद आप देखेंगे आपको कितना रिलैक्स फील होगा और बाल भी आपके बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अब हम हाथों और उंगलियों की मदद से इस तरह से मसाज करेंगे, आप एक एक स्टेप देख लें यहाँ पर, और बिल्कुल हल्के हाथ से हमें मसाज करना है।
और दूसरी स्टेप हम इस तरह से, यदि आपके सिर में हल्का बहुत दर्द है तो आपको इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा, तो थोड़े से बाल इस तरह से हम हटा लेंगे और इसके बाद ऊपर की तरफ हल्के हाथ से खींचना है, इस तरह से, तेज़ नहीं खींचना है, बस हल्के हाथ से। इससे जो सिर की नसें वगैरह हैं वो बढ़िया से खिंच जाती हैं और हमें रिलैक्स फील होता है। तो इस तरह से इन्हें हम इस तरह से कर देंगे, थोड़े थोड़े बाल लेते जाएंगे और इन्हें खींच लेंगे, पर हमें तेज़ नहीं खींचना है, थोड़ा सा हम इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से खींचना है। मसाज के बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपको यदि हेड मसाज दे रहे हैं तो इससे बालों के साथ साथ आपको बॉडी में भी रिलैक्स मिलता है, और इस तरह से हम पूरे बालों पर ऑयल लगा लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मसाज देना है हमें बालों को। इसके बाद हम सारे ही बालों को एक साथ इस तरह से मसाज करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथ से ही मसाज बालों में देना है। यहाँ पर हम मसाज के लिए दूसरों की हेल्प ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि हम अपने बालों पर अपने से ही मसाज करना चाहते हैं। तो इसका वीडियो भी यदि आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसका वीडियो भी आपको हम जल्दी से शेयर करेंगे और आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से हमें मसाज करना है और ये वाली स्टेप बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। और उंगलियों का इस्तेमाल करके हम इस तरह से मसाज करेंगे। तो एक एक स्टेप आपको पहले अच्छे से देखना है और उसके बाद अपने बालों पर अप्लाई करना है, जिससे बाल तो स्ट्रोंग होंगे ही, साथ ही साथ आपको रिलैक्स फील होगा। और आप देख रहे होंगे कि हमने बालों को दो भागों में डिवाइड कर लिया है और इसके बाद अच्छे से ऑयल लगा लिया है। तो ऑयल तो हमने पहले से ही लगा लिया था, लेकिन यहाँ पर और लगा लेंगे, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो बाल जो सूखे होते हैं, बेजान होते हैं, वो अच्छे से ऑयल को सोख लेते हैं और वो सूखे होने लगते हैं। इसलिए हमें ऑयल लगाते रहना है, थोड़ा थोड़ा उंगलियों में लेते हुए और मसाज करते जाना है। और आप एक बार इस तरह से मसाज कर लेंगे बालों को तो आपको बहुत बढ़िया फील होगा, रिलैक्स एकदम। तो आप इसी तरह से फिर हर बार अपने बालों को मसाज देंगे, और बहुत ही फायदे हैं इस तरह से ऑयल से मसाज करने के। बाल टूटते हैं, झड़ते हैं और रूखे बेजान हो जाते हैं, इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। और यदि आपकी गर्दन में दर्द वगैरह रहता है तो उस पर भी आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा और आपको एक एक स्टेप बहुत पसंद आएंगी। अब हम इसके बाद बालों को एक साथ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसको जूड़ा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी मसाज हो गई है। इसके बाद हम बैक में, गर्दन में और थोड़े से फिंगर की हेल्प से हेड मसाज करेंगे, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से हमें मसाज देना है। बस आपको ध्यान रखना है, मसाज करते टाइम आपको रिलैक्स रहना है और हल्के हाथों से ही हम मसाज करेंगे। तो हम फिंगर की हेल्प से इस तरह से मसाज करेंगे और ऑयल लगा लेना है फिर से। इस तरह से मसाज करने में आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, थकान है या फिर कोई टेंशन वगैरह है तो भी आप रिलैक्स हो जाते हैं। और आजकल की बिजी लाइफ में तो बहुत सारी टेंशनें होती हैं, तो इस चक्कर में भी हमें बहुत ज़्यादा सिर दर्द भी हो जाता है। तो इस तरह से यदि हम मसाज लेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा और
हमें यदि गर्दन में या फिर बैक पेन है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसे आप हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो एक बार ज़रूर से या तो आप अपने से कर लें या फिर यदि कोई प्रोफेशनल जगह पे आप करवा रहे हैं तो भी आप मसाज ज़रूर से लें। बहुत फ़ायदे होते हैं हेड मसाज के। तो इस तरह से हम सारी ही स्टेप आपको दिखा रहे हैं, आप इस तरह से करें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मसाज करते टाइम हल्के हाथों से ही आपको मसाज लेना है। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स।